अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार होंगे खाने में। तो आप इसे बनाएं, जैसे आजकल बरसात है तो ऐसे मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले भी नहीं मैं डालूंगी, इसमें पोटैटो को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 आलू, मैंने लिए हैं। ये इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। राइस फ्लोर इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, और रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और ये बटर है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है, ये भी इसमें जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आलू जो हैं उनको मैश कर लेते हैं। अच्छे से आलू को मैश कर लेंगे। आलू मैश हो चुके हैं, अब इसके अंदर ये मैं चिली पाउडर डाल दूंगी, साथ ही ये कॉर्नफ्लोर भी अंदर चला गया, राइस फ्लोर भी चला गया, और ये सॉल्ट भी चला गया, और ये बटर भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बटर का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने इसको बिल्कुल मैश कर दिया है। देखें, रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाला तो उसके साथ इसका कितना अच्छा सा एक कलर आ गया है। अब मैं हाथ को ऐसे इतना गीला कर लूँगी और ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें से इतना इतना सा ये मिक्सचर उठा के, और इस तरीके से हम इसको गोल गोल राउंड शेप में इस तरह बना के इधर रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे को बना लेंगे। ये देखें, मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया और ये मैंने सबको शेप दे दी थी। ये अब मैं इसको इसमें डीप फ्राई करूंगी। एहतियात से डालें। ये रेड चिली इसमें डाली है, इसलिए इसका ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है रेड चिली डालने की वजह से। सारे मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें, सारे बॉल इसमें चले गए। अब ये फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे, हिलाते जाएं ताकि इसका कलर एक जैसा आए चारों तरफ से। अब ये हो चुके हैं, मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। ये देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और आप चाहें तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, और आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।